Good morning, class first. Today we have started our work from page number 103. Right? So every student have to take your maths book and open page number 103. Class, when I have given you some instruction to do something, to speak with me something, right? You have to obey my instructions, right? जब मैं आपको कुछ करने के लिए इंस्ट्रक्शन दूँ, बोलने के लिए इंस्ट्रक्शंस दूँ, तो आपको मेरे इंस्ट्रक्शन सुनना है. तो आपको मैथ्स बुक लेना है और पेज नंबर 103 ओपन करना है एंड स्टार्ट रीड आउट विथ मी. 70, 71, 72, 72, 73, 73, 74, 74, 75, 75, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79. आपको यहाँ मिलेंगी इसी नंबर की नंबर्स की नंबर नेम्स. एस ई से वी ई वे एन सेवन टी वाई टी सेवन टी राइट. इस तरह से आपको सिलेबल डिवाइड करके बोलना है. नेक्स्ट 71 एस ई वी ई एन टी वाई सेवन टी टी वाई टी वन 71 राइट. 72 एस ई वी एन टी वाई 72 टी डब्ल्यू ओ टू ठीक है. 73 एस ई वी एन टी वाई 70 टी एच आर डबल ई थ्री. सो क्लास आपको 1 से लेकर 9 तक की स्पेलिंग आपको लर्न है. आपको क्या लर्न करना है, ओनली ये 70 का स्पेलिंग एस ई वी ई एन 7 टी वाई टी. 7 का स्पेलिंग भी आपको मालूम है, बस उसके साथ टी वाई टी ऐड करना है. तो 70 को ऐड करके आप आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लगा के 70 से लेकर के 79 तक की स्पेलिंग आप आसानी से लिख सकते हो राइट. सो अगर आपके टीचर आपको बोले बेटा यू हैव टू राइट द नंबर नेम्स ऑफ 50 टू फ्रॉम 50 टू 60 फ्रॉम 70 टू 80 सो क्या आपको डर लगेगा? नहीं, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की स्पेलिंग आपको लर्न है, तो आप 100 तक की स्पेलिंग बड़े आराम से लिख लोगे. सो ये आपको रीड आउट करना है. नेक्स्ट आपको रीड आउट करना है 8080, 81, 81, 82, 82, 83, 84, 84, 85, 86, 87, 87, 88, 89, 90, 10, 90, 91, 92, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96, 97, 97, 98, 98, 99, 99 एंड 100. राइट. तो इस तरह से आपको यहाँ पे 60 से लेकर 70 से लेकर इस क्लास में हम काउंटिंग सीखेंगे 100 तक. जैसे मैंने 70 का स्पेलिंग पढ़ाया है, यहाँ पे आपको स्पेलिंग मिलेगा 80 का राइट. 8 का स्पेलिंग क्या है क्लास, टेल मी. यस राइट, ई आई जी एच टी 8. अगर टी के बाद एक वाई, क्यूट सा एक वाई लगा दोगे तो 8 बन जाएगा 80. सो आपको यहाँ पे 80 का स्पेलिंग लर्न करना है, दैट इज ई आई जी एच टी वाई 80.
और उसके आगे 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. आपको इस तरह से आपको रीड आउट करना है और स्पेलिंग लर्न करना है जो कि ऑलरेडी आपको लर्न है. स्टिल आपको रीड आउट करके देखना है कि स्पेलिंग एक्चुअल में क्या डिफरेंसेस ला रहा है. आप अगर डिफरेंसेस देखोगे 90, जो 9 का स्पेलिंग है, NINE 9, ये आपका 9 का स्पेलिंग है, राइट क्लास. तो इसके साथ अगर एक TY लगता है तो 9 बन जाता है 90, राइट. 90 मीन्स 9090, राइट. सो 90 के आगे अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अगर आप लगाते हो तो 90 बन जाएगा 91, 92. इस तरह से आपको 2, 3, 4, 5 लगा के आपको कंप्लीट करना है 90 से लेकर 99 तक, राइट. और उसके बाद आपको 100 की स्पेलिंग मिलेंगी नंबर और नंबर नेम मिलेंगे नेक्स्ट पेज में, राइट क्लास. 100, UNE 100, HUNDRED. स्टूडेंट, ये 100 वर्ड्स आपके लिए न्यू है, सो यू हैव टू लर्न दिस वेरी केयरफुली. 100 दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, बीच में आपको स्पेस लगाने हैं, राइट. इसके बाद जैसे कि आपको मैं प्लेस वैल्यू सिखाती हूँ क्लास, जस्ट लाइक 7 10s 0 1s, दैट इज 70. 70 का स्पेलिंग आपको पढ़ना है और 70 आपको लिखना है. 7 10s 3 1s, दैट इज 73. 73 का नंबर नेम्स 7 10s 6 1s 76, 7 10s 9 1s 79 आपको लिखना है फिलिप्स में. देन 8 0 0 1s 80 का नंबर नेम्स 80 लिखना है, लिखा हुआ है 80, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है. 8 10s 4 1s 84, 8 10s 7 1s 87, 8 10s 9 1s 89, राइट क्लास. 9 10s 0 1s 90, 9 10s 3 1s 93, 9 10s 6 1s 96, 9 10s 8 1s 98. सो क्लास, मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहूंगी. देखो यहाँ पे 8 10s 0 1s 80, तो बेटा 8 times 10s जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअली 80. 8 times 10s मीन्स 80. 9 times 10 मीन्स 90, राइट. दैट मीन्स 7 10s मीन्स 70, 6 10s मीन्स 60. तो आपको यहाँ पे ये जो टेंस है ना, इन सारे में क्या है, 6 10s यानी 60, और 2 1s 4 1s 9 1s. आपको सीनियर क्लास में इस तरह से लिखना सीखना है. देखो यहाँ पे 7 10s यानी 71, तो यहाँ पे 7 10s मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 70. 3 1s, इस तरह से आपको लिखना है. 7 10s यानी 70, 6 1s यानी सिंगल 6, आपका 7 10s यानी 70, 7 का वैल्यू 70 है. 9 1s यानी 9 का वैल्यू 9 है, राइट. यह आपकी प्लेस वैल्यू है. प्लेस वैल्यू इन द सेंस, आप कौन सी प्लेस में रहते हो, न्यू दिल्ली, राइट. आप स्कूल में आके आपके प्लेस कौन सा होता है, फर्स्ट क्लास, राइट. जो सेकेंड और थर्ड के बच्चे हैं, क्या वो आपके क्लास में आते हैं, नहीं. तो उनके प्लेस क्या होते हैं, सेकेंड क्लास में और थर्ड क्लास में. थर्ड के बच्चे क्या माना जाता है कि वो थर्ड क्लास से है, उनके प्लेस है क्लास थर्ड, और उनके वैल्यू है कि तीसरी कक्षा की वो बच्चे हैं,
वो स्टूडेंट है क्लास थर्ड की। तो आपका भी, आप यहाँ पे ये कहाँ लिखा हुआ है, टेंस, इसका प्लेस का नाम है टेंस और इसका वैल्यू क्या रहेगा, 80, राइट। 8 का वैल्यू यहाँ पे 8 टेंस आपने लिख लिया। यहाँ पे प्लस 0 वंस, 0 में क्या है, वंस में क्या है, 0, राइट। आप यहाँ पे अगर आपको दिया जाए कि बेटा 80 का प्लेस वैल्यू लिखो, लिखो 8 टेंस और 0 वंस का, आप इस तरह से लिख सकते हो, 8 टेंस यानी 80 प्लस 4 वंस, राइट। 8 टेंस यानी 80 प्लस 7 वंस यानी 7, 8 टेंस 80, 9 वंस 9, राइट। इसी तरह से आपको ये भी कंप्लीट करना है, 9 टेंस 0 वंस 9 टेंस 3 वंस 9 टेंस यानी 96 वंस 98 वंस, राइट। इस तरह से आप दिखा सकते हो, राइट क्लास। सो मैं ये आपको थोड़ा सा सीनियर क्लास के लिए तैयार कर रही हूँ, राइट। अभी तक हम 9 टेंस 90 9 टेंस और 3 वंस इस तरह से लिखना सीखे थे। अब हम प्लेस वैल्यू का क्या एक्चुअल मतलब है ये आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सो क्लास, आपको इस चैप्टर में लर्निंग के साथ साथ रीडिंग और राइटिंग के साथ साथ रीडिंग भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और ये आपकी आज की क्लास वर्क एंड होमवर्क है, पेज नंबर 103 से लेकर पेज नंबर 105 106 के यहाँ तक, राइट। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।